राघव राजा राम। रास्ते भले ही कुछ भी रहे हूँ, मकसद सबका एक ही था, हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान जो हमारा हो। और फिर हमें आजादी मिली, हमारा देश जो दूसरों के कब्जे में था स्वतंत्र हो गया, हमारा अपना हो गया। आजादी के साथ साथ हम पर इस आजादी की रक्षा करने की महान जिम्मेदारी आ गई। मगर हमारी आजादी, हमारी खुशहाली और हमारी तरक्की को ये किस दरिंदे की नजर लगी हुई है? कौन है जो हम में फूट डालना चाहता है? हमारे नौजवानों को, हमारे विद्यार्थियों को भड़का रहा है, उनकी जवानी और जोश को गलत राह पर डाल रहा है, कॉलेज के मामूली से इलेक्शंस को राजनीति का अखाड़ा बना रहा है, तोड़ फोड़ हड़तालों दंगे फसादों को हवा दे रहा है अपने मतलब के लिए, अपने काले धंधे के लिए। और शिकार हो रहे हैं हमारे नौजवान विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जो कल के लीडर बन सकते हैं, हमारा भविष्य बन सकते हैं। भविष्य ही की चिंता आज हमें चेतावनी दे रही है कि हम कुछ संभलें, कुछ सोचें, कल की भी फिक्र करें, अभी और आज ही में न उलझें। दीपक को बुलाओ। आखिर रखा क्या है कॉलेज में? न पढ़ाई न लिखाई, रोज एक स्ट्राइक, छह छह महीने कॉलेज बंद रहता है। इससे इजाजत ली तुमने? सॉरी, क्या कल की बहस काफी नहीं थी? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं। मैं अब यहां रहने को तैयार नहीं हूं। क्यों? अभी क्या है? दो महीने से तुम यहां हो सिवाय लंबे लंबे खत लिखने के, 30-30, 40-40 पेज के, सुबह से शाम तक। किसे लिखते हो? ऑफिस एक दफा भी आए हो तुम? मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक पढ़ाई खत्म नहीं कर लेता ऑफिस नहीं आऊंगा। ओ, ये पढ़ाई कॉलेज सब बकवास है, आखिर आना तो यही है तुम्हें बिजनेस में। अगर पढ़ाई का इतना ही शौक है तो यहाँ पढ़ो, यहाँ क्या कॉलेज नहीं है? लेकिन तुम्हें तो हॉस्टल में रहना है, वहां जाके। हॉस्टल की लाइफ बहुत कुछ सिखाती है डैडी। ये हॉस्टल ही लड़कों को तबाह कर देते हैं, खास तौर पे आजकल जब कोई देखने वाला नहीं। प्लीज डैडी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। बेहुदा हो तुम, यही सीखा तुमने कॉलेज में? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगला पल साथी होगा कैसा, आएगा जो भी कल साथी होगा कैसा, ना जाने अगला पल साथी होगा कैसा, आएगा जो भी कल साथी होगा कैसा।
अभी है जवान ना जाने अगला पल साथी होगा कैसा आएगा जो भी कल साथी होगा कैसा ना जाने अगला पल साथी होगा कैसा आएगा जो भी कल साथी होगा कैसा अभी तो जी ले अभी दोस्तों वक्त है मेहरबान अभी दूर है गम की परछाइयां ये दिल दीवाना जो भी चाहे वो अफसाने कहे चलो ना जाने अगला पल साथी होगा कैसा आएगा जो भी कल साथी होगा कैसा ना जाने अगला पल साथी होगा कैसा आएगा जो भी कल साथी होगा कैसा अभी तो जी ले अब जो जाना चाहें जा सकते हैं आज हम मास्टरजी चोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज की ये बढ़ती हुई आबादी हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हमारे देश को हाय हाय क्लास से चले आए मैं सर ने कहा जो क्लास से जाना चाहे जा सकते हैं मैं चला है? अच्छा सुनो आज हम क्या कर रहे आज दुनिया से कम ऑन अरे बस सर हेलो 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 लाइब्रेरी लाइब्रेरी मिलती है लाइब्रेरी 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 रिलैक्स बेबी रिलैक्स हां अच्छा चलते हैं लेकिन जल्दी वापस आते हैं आ जाते हैं जल्दी आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे बाय लेट्स डू समथिंग नेस्टी किस मी प्लीज सिट डाउन सही हां बाहर चल रहा नहीं मैं नहीं आता हूं क्यों अरे मेरी क्लास चल रही बाहर चल बंटी बुला रहा है बिना बारह तेरे को नहीं मैं नहीं आता चल सही यस सर क्यों बे जब मैंने तुम्हें क्लास के बाहर बुलाया तू आया क्यों नहीं मैं कैसे आता अबे हट शशि क्या कर रहे हो यार यार इसने मेरी इंसल्ट कर दी इंसल्ट नहीं नहीं भैया मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी इंसल्ट करता दीपक भैया आप नहीं जानते हमारी क्या हालत है मेरे बूढ़े बाप दिन भर फलों का टोकरा सर पर रखकर गलियों में घूमते हैं
अपना पेट काट कर मुझे पढ़ाते हैं ताकि मैं कुछ बनूं। फिर मेरे दोनों बहनों की शादी होगी, बरसों पुरानी काली खांसी से उनको मुक्ति मिलेगी। हंसी मजाक की खातिर क्या मैं उनके सपने तोड़ दूं? बेशक आप मुझे डांटो, मुझे मारो, लेकिन मैं क्लास नहीं छोड़ सकता, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ कर दो। भाई साहब, जो मैंने ये जमा के मारा, हाय हरी मिर्ची, अरे भाई साहब कितनी शक्ल देखी सुबह सुबह। कभी बंदे पे भी रहम कीजिए। क्यों नहीं, जरूर, लेकिन आप ये बताइए, आप मुझे सचमुच प्यार करते हैं? अजीब जो समझिए कि आपके प्यार में दीवाना, दिन का चैन और रातों की नींद हराम है। वाह वाह, क्या बात है। और कहीं भूले से आंख लग भी जाती है, हाय ख्वाब में आप ही आप नजर आते हैं मेरे आगोश में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या थप्पड़ मारा है। हरी मिर्च है, बहुत तेज है, लेकिन आइंदा याद रखना एक गोल मिर्च भी है। सॉरी सर, मुझे जरा आने में देर हो गई। आने को वो है, जब चाहे चले आए। लेट आना बिल्कुल ना आने से तो बेटर है सर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का क्या होगा? मान जाओ ना। मानिए ना। अरे बाबा, मैं कोई प्रिंसिपल हूँ? ठीक है, आज रात को मीटिंग है, डिस्कस कर लेना, ठीक है? आप नए लोगों से इसी तरह पेश आते हैं क्या? वाह, व्हाट अ चिक मैन, ही मींस चिकलेट। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो आदम? अबे किया क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मुझे जाने दीजिए। जाने दो जाने दो जाने दो। थैंक यू थैंक यू। ये भजन हमको दिलवा दो ना। ले 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 इसको, देती रो रही है। मिलता मिलता लौट के। एक दो दोनों। थैंक यू। ये तो गई प्रिंसिपल के पास। ये तो प्रिंसिपल के रूम में गई। मेरा बच्चा संभाल संभाल के संभाल, मैं अभी आता हूँ। आइए आइए। नमस्ते, कब आए आप? बस आज सुबह आई। अच्छा बैठिए। थैंक यू। अच्छा तो बस शुरू कर दीजिए आप। आप जैसी यंग लेक्चर्स की हमें जरूरत है। जय, हम तो बुरी तरह से पिट गए। वो कॉलेज में नई टीचर है, वो रैगिंग करो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आ रही आ रही है। हेलो, आप लोग अभी तक यहाँ हैं? मैडम सॉरी, वेरी सॉरी। क्या हुआ? वी आर वेरी सॉरी, हम समझ रहे थे आप यहाँ की नई स्टूडेंट हैं। मैं टीचर नहीं लगती हूँ ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अभी कॉलेज खत्म किया है। एक दो तीन चार पाँच, केवल पांच ही विद्यार्थी? सर पांच तो है। अर्थात कहाँ कराने वाला है? अबे कहाँ कराने वाला है? यही का चलो उठक बैठक करो। अबे उठक बैठक करो लू। अबे गधे कान पकड़ के। अबे बोला कौन है मुर्गा? ला 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 तुम जी, कहाँ कराने वाला तू? नवाबपुर का। अरे जयपुर का क्यों नहीं? नवाब समझता आपने आपको? ऐसे साले को ठीक करता हूँ अभी। अरे मादा साला चश्मा उधर चले जा। जानता मैं किससे बातें कर रहा है। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बातचीत की। आज हम प्रधानमंत्री और संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। रमेश, तुम बता सकते हो कि संसद में
कितने सदन होते हैं? जी तो दीपक, तुम उनके नाम बता सकते हो? जी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट चुनाव होता है। रीता, क्या तुम बता सकती हो कि कितनी उम्र पर नागरिक को वोट देने का अधिकार है? परोक्ष रूप से होता है। हाँ जी। प्रोफेसर साहब, एक बात पूछो। कहिए पंडित जी। आप में ऐसा क्या जादू है कि आपकी क्लास में लड़के लड़कियां बड़े ध्यान से आपका लेक्चर सुनते हैं और मेरी क्लास में 5 या 10 होते हैं या होते ही नहीं? इस चमत्कार का राज क्या है? इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है पंडित जी। एक टीचर को स्वयं स्टूडेंट होना चाहिए और फिर क्लासरूम को लेक्चर थिएटर की बजाय डिस्कशन में बदल देना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसमें भाग ले सकें, अपने विचारों को प्रकट कर सकें। और सर, मेरी प्रमोशन के बारे में आपने? प्रमोशन? प्रमोशन जरूर मिलेगी तुम्हें। यस यस, प्रमोशन तो आपको मिल गई, लेकिन पढ़ाई में अब भी आपका ध्यान नहीं लगता। मैंने क्या किया भाई? बचपना कब जाएगा शशि, तुम जया को क्यों छेड़ते हो? ये सब बंटी का काम है, मेरा नहीं। तो बंटी जाके कहो तो सॉरी बोले, सुबह तो कमूड़ खड़ा मालूम। जाओ उस बिटकू को अभी देखता हूँ, जितना ऊपर है जमीन में उतना नीचे है। ए मौसी, मौसी देख, माफ कर देना, तुझे सिर्फ मौसी तो कहा था, माफ कर देना। देख देख, मैं बंटी, डोंट टच, प्लीज प्लीज माफ कर देना, माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं, खुदा हाफिज, मैं यहाँ से जान दे दूंगा कूद के। नहीं, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं नहीं मौसी, मुझे मर जाने दे, नहीं मरता। सॉरी, आई एम मौसी, नहीं कहूंगा। है बलमा से पैया हार, राकेश वो आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कागज के जहाज से तो बच्चे खेलते हैं, इस एटॉमिक एज में आप लोगों को ये करते अच्छा नहीं लगता। एनीवे, कागज के जहाज से एटॉमिक एज की दूरी समाज के विस्तार की कहानी है और मैं यही सब्जेक्ट आपको पढ़ाने आई हूँ, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। मैडम, यदि आप पहले अटेंडेंस ले लेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज। क्यों? वो तो सर क्या है मैडम कि उसको बाहर जाना है ना मुंटो? तो क्या आप अटेंडेंस के लिए ही क्लास में आते हैं? नहीं मैडम, आप जो पढ़ाने आए हैं ना उसके नोट तो बाजार में मिलते ही हैं। और फिर मुझे भी तो जरा थोड़ा काम से जाना है। मैडम ये कैंटीन जाना चाह रहा है। मुझे अफसोस है कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, कॉलेज में हर एक्टिविटी में भाग लेते हो, पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन फीस ना जमा करने की वजह से तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। तुम प्रिंसिपल साहब से क्यों नहीं मिल लेते? प्रिंसिपल साहब से अभी सर, इस लेक्चर को अटेंड करने की इजाज़त दीजिए, अगला पीरियड मेरा खाली है, तब मैं मिल लेता हूँ उनसे। सर आजकल घर वालों की हालत ठीक नहीं है, मैं बहुत जल्दी फीस दे दूंगा। तुमने आगे ही बहुत देर कर दिया फीस देने में। नो, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। तुम जा सकते हो। हेलो राकेश, अरे ये क्या कर रहे हो? जी वो मैं कम सिट डाउन। So, how are you, my boy? I'm fine, sir. How's your wonderful father? How's everybody? All right, sir, all right. Ha, lovely, lovely. Thank you, ji, thank you. Bhai, bahut hi khoobsurat, bahut hi khoobsurat. I hope you like it, sir. Beautiful, beautiful. Aapke pitaji bheji malum hota hai? Ji, unhone nahi, main khud hi le aaya. Bhai, tum hamesha aisi takleefein karte rehte ho. Ji, saab, hamesha karta rahunga. Bahut achhi, bahut hi khoobsurat. Dekho, isko yahan rakhe. Okay, sir. आशीर्वाद दीजिए सर। गॉड ब्लेस यू राकेश, गॉड ब्लेस। इतना सौभाग्यशाली हूं जो आपके चरण स्पर्श करने का अवसर मिला मुझे। अच्छा देखो, अपने पिताजी को मेरी नमस्ते। अवश्य अवश्य सर। ओ सर, एक छोटी सी तकलीफ देनी थी आपको। क्या बात है राकेश? वो लेट फी। देखो भाई,
फीस देने में देरी मत किया करो। वैसे मैं कभी देरी नहीं करता, वो क्या हुआ कि पिछले हफ्ते मेरी जेब कट गई थी। थैंक यू वेरी मच सर। आपने राकेश का केस ग्रांट किया है सर, ये बात तो ठीक नहीं ना सर। जो तेज है उसका सारा काम हो जाता है, जो बेचारा कुछ भी ना बोल सके उसका कुछ भी ना हो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी बेकार सी बातों पर तुम मुझे धमकी देना चाहती हो? आप कुछ भी समझिए सर, मेरा फर्ज है मैं इसकी तरफ से बोलूं। अगर कोई खुशामद करके अपना काम करा लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबकी परवाह ही ना की जाए। और बहुत सी बातें जो आए दिन यहाँ होती हैं और हम जानते हैं, एंड इट्स नॉट गुड सर। कैसी बातें, कौन सी बातें? यस सर। बोलो बोलो, कौन सी बातें हैं, क्या कहना चाहती हो? क्या प्रोग्राम है डैनी? अपना प्रोग्राम तो मिस जय बहादुर के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी गुड, फिट है डैनी। तू कौन सा अनफिट है यार? आजकल अनफिट हूँ यार। मुकी तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार। No. क्या? क्या बात है, नाराज नजर आती है? अरे बाबा वही दैट प्रिंसिपल, उसने जहीर के लेट फीस को माफ नहीं किया और उसके फीस को माफ कर दिया। किसका? वही राकेश का। जी दैट्स वेरी अनफेयर। अब बताओ क्या करें? एक काम करते हैं, अपने अपने पैसे इकट्ठे करके दे देते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया मुकेश। चलो चलो जया, मेरे पास तो जेब ही नहीं है। नॉट अगेन, कम ऑन। मेरे हाथ ऊपर। सरेंडर। गैम्बलिंग के लिए इसके पास बहुत पैसे हैं। ये क्या है, चने? इसके लिए पैसे नहीं। चलें चलो, से बाय, सी यू, से बाय, थैंक्स मुकी। रुक, ये तो क्या यार, मैं भी चलता हूं। ये तो बचे। क्या हुआ बोलो तो सही, क्या हुआ? हाँ तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। क्या है तुम्हें भी वो डांसिंग विद, इस तरह डांस करना चाहिए तो और कैसे डांस करते हैं? अरे बाबा वो अंदर में चेंज हो गई। मालूम है क्या हुआ? हाँ। जब हम लोग एक साथ डांस कर रहे थे अचानक अंधेरा हो गया, फिर उस लड़की ने आकर कहा प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे मैं समझा वो तुम हो सच्ची रेली। You know my dad? Hmm? वो मुझे आने नहीं दे रहे। तो कैसे आए? आ गया। तुम जो? उनको मालूम हो गया? हो जाएगा। अच्छा बाबा, माय मिस्टेक। चलो माफ कर दो। माफ कर दो बाबा, आई एम सॉरी। नमस्ते माँ जी। कैसे हो डैनी? बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी।
बैठे बैठे पता नहीं आपकी कैसे याद आ जाती है कि मैं फौरन आपके पास चला आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माजी, कुछ नहीं। तुमने कुछ कहा? अच्छा बेटा ये तो बताओ तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मिलिट्री में जनरल और सिविल में प्रेसिडेंट तक बनने की कोशिश करूंगा। गलत माँ, मिलिट्री में रंग रूट और सिविल में किराए के टट्टू होते ना, मुझे चिल्लाते हैं। ठीक है बाबा, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस कर लेंगे। कौन सा बिजनेस? मैं बताती हूँ, टूटे फूटे कपड़े, नहीं क्या कहते हैं वो, फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन, यानी कि रद्दी वाला। माँ जी मुझे बचाइए नहीं तो ये मुझे रद्दी वाला बना देगी। क्यों इसके बारे में ऐसी बातें करती हो जया? माँ मैं ठीक ही तो कह रही, बिजनेस के लिए चाहिए माल। क्या माल? और वो हमारे देश के दुश्मनों के पास। अच्छा अच्छा बात छोड़ो, चलो मैं खाना लगाती हूँ, तुम भी खाओगे ना? जरूर खाऊंगा माँ जी, जल्दी लगे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों माँ के सामने मेरा इंप्रेशन खराब कर रही है? साहित्य में रोमांस यानी कि श्रृंगार एक अपनी ही महत्वता रखता है। हरवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों में श्रृंगार का कितना सुंदर वर्णन किया है। आग तुझमें, आग मुझमें, राग तुझमें, राग मुझमें, आ मिले हम आज अपने द्वार उड़के, खोल बादल, आ मुझसे बोल बादल। रीटा, बच्चन साहब ने भी क्या कविता लिखी है ना, आग तुझमें, आग मुझमें, राग तुझमें, राग मुझमें, आ मिले हम आज अपने द्वार उड़के, खोल बादल, आ मुझसे बोल बादल। वाह, अरे ओ अरे ओ दिल की कली किधर चली, तने किधर तो आइयो। जा जा रे भोरे जा जा। ओ कभी चलिया आशिकों की गली, ओ कभी चलिया आशिकों की गली, तू चुनर लेके गली हरियो काजल वाली, तू चुनर लेके गली हरियो काजल वाली। तू है भवरा मैं हूँ नाजुक चली, ओ तू है भवरा मैं हूँ नाजुक चली, चुरा लेगा तू मेरी मेरे होठों की लाली, चुरा लेगा तू मेरी मेरे होठों की लाली, तू है चलिया आशिकों की गली। हे आ जाए चलिया आशिकों की गली, तू है भवरा मैं हूँ नाजुक चली। ए, तू चुनर लेके काली हरियो काजल वाली,
चलिया आशिकों की गली ओ कभी चलिया। शशि हैं यार, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, अब की बार अपना ग्रुप खड़ा होना चाहिए। डैनी, जया, दीपक, क्यों, क्या ख्याल है? चल चल के बात करते हैं। हाँ बंटी, अब की बार मैं खड़ा हो जाऊं? पर तुम समझे नहीं, हम अपने ग्रुप को इलेक्शन में इसलिए खड़ा करना चाहते हैं कि कॉलेज में कोई इंप्रूवमेंट हो। डैनी, तू जानता है इलेक्शन में क्या होता है। अरे इसीलिए तो हम लोग लड़ना चाहते हैं, हम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सब ये कहकर टाल देते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। अरे पॉलिटिक्स तो वो लोग फैलाते हैं जो स्टूडेंट्स की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में कोई इंप्रूवमेंट हो। क्या बोलता यार, ऐसा करते हैं तू खड़ा हो जा, हम तेरे साथ हैं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। क्या बात कर रहा है यार, मैं तो अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, खड़े तुम लोगों को होना है। मैंने यहाँ डैनी मुकेश को खड़ा कर दिया। कहीं तुम लोग इलेक्शन के बारे में तो नहीं बोल रहे? भाई इलेक्शन की बात हो रही है। नहीं बाबा नहीं, इत्मीनान से बैठो, सुनो। अबे सुनना जया, सुन जया, हमने डिसाइड किया है कि अब की बार इलेक्शन में अपना ग्रुप खड़ा किया जाए। ना बाबा, ना बाबा, कैसे? वो जा सेक्रेटरी, वो जा सेक्रेटरी। और कुछ और नई नई किताबें हमने लाइब्रेरी के खरीदी हैं, ये देखिए। इलेक्शन का आजकल बहुत शोर हो रहा है। क्या बताऊं पांडे जी, इस इलेक्शन मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या क्या हंगामे ये स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। हमारे होते हुए आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, आप तो बस तमाशा देखिए। अजी आखिर मैं प्रिंसिपल हूं, मुझे ख्याल तो करना ही पड़ता है। हाँ आपकी ग्रांट मैंने मंजूर करवा दी है, और वो जो आपकी लड़की की शादी नजदीक है ना, क्यों फिक्र करते हैं आप उसकी, सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए, हम ठीक कर लेंगे। थैंक यू पांडे जी। पांडे जी ने अपनी पार्टी की तरफ से आपके इलेक्शन के खर्च के लिए भेजे हैं। जी नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। आप क्या समझते हैं आप पैसे से हमें खरीद सकते हैं? मगर इलेक्शन के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। जी नहीं, स्टूडेंट्स हमारे साथ है और हम बगैर पैसे के इलेक्शन जीत सकते हैं। हमारी देश रक्षक पार्टी स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को नहीं मिलाना चाहते। आप पांडे जी से जाके कहिए हमें इसमें ना फंसाए। इलेक्शन लड़ने के लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, और इस तरह हम लोगों के पास आकर आप सिर्फ अपना पक्ष जाहिर करें। आप जा सकते हैं। सब कहाँ के देश रक्षक, कैसे देश रक्षक, आप भी कहाँ फंस गए? मैं तो आप ही के पास आ रहा था, ये खामखा बढ़ गए। उसकी क्या जरूरत, अब आप ले आए तो रखने ही पड़ेंगे। वैसे अच्छा पांडे जी को मेरी नमस्ते कहिए। गुरु काम तो हो जाएगा, पैसा निकालो पैसा। ओफो यार, पैसे वैसे की चिंता मत करो भाई, पैसा हमारे पास बहुत है, हमें किसी भी हालत में इलेक्शन जीतना है। पैसे बांटो, वोट खरीदो, मगर इलेक्शन जीतो। तुम इलेक्शन हारे जरूर हो, मगर फिर भी जीत तुम्हारी है। वो कैसे? सीधी सी बात है, कॉलेज यूनियन चलाना आप उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग अपना काम करेंगे, आप लोग अपना काम कीजिए। कौन सा काम पांडे जी? तुम्हारा काम यही है कि तुम उनको काम ना करने दो। भाई वाह, ये हुई ना बात। वो तो सब ठीक है पांडे जी, लेकिन क्या आप हमारी मदद करेंगे? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे लीडरों ने आजादी के लिए इतनी मुसीबतें झेली, इतनी कुर्बानियां दी, तो हमारे दिल में उनके लिए इज्जत है, हमें उन पर नाज है। हम एक आजाद देश के रहने वाले हैं, एक आजाद देश में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें भी आजादी चाहिए। इसमें हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, और बड़ों के लिए हमारे दिल में इज्जत है और हमेशा रहेगी। लेकिन उनके लिए नहीं जो कि पुराने ट्रेडिशन से हटना नहीं चाहते, जो कि जोक की तरह चिपके हुए हैं और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एक भी खून का बूंद बाकी है। मैं आप लोगों का और वकील लेना चाहती हूं, अपने मित्र और प्रेसिडेंट दीपक से कहती हूं कि आप आकर उनको कुछ कहें। प्रिंसिपल साहब, बॉयज, फ्रेंड्स, आज हमें आजादी मिली, बहुत कुछ करना है और उसके लिए आप
करना है यू नो करना है जरूर या इसलिए मिले हैं कि आप मुझे मुझे ये क्या ये देखो मैं समझता हूं कि जया ने बहुत खूबसूरती से हमारे विचार आपके सामने रखे हैं। हम सबकी यही राय है, मेरा मतलब है हम सबकी यही राय है। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा है और हमें विश्वास है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा सकेंगे। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। क्यों गुरु, क्या चल रहा है अंदर? अरे कुछ नहीं, अंदर बहुत बड़े बड़े स्पीचे दे रहे हैं। और क्या? अरे स्पीचे देने से क्या होता है यार, कुछ करे तो जाने। लगता है अब हम लोगों को भी कुछ करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, इन देश रक्षकों को मैं अच्छी तरह समझ लूंगा। तुम्हारी स्पीच अच्छी रही, शॉर्ट एंड स्वीट। यू लाइक्ड इट? लेकिन तुम कहाँ बैठी थी? मैं जानबूझकर ऐसी जगह बैठी थी जहाँ से मैं तुम्हें देख सकूं और तुम्हें पता ही न चले। क्यों? तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। रीटा, रीटा, क्या हुआ? दीपक, दीपक मुझे कभी-कभी डर लगता है तुम्हारे लिए। क्यों? ये स्टूडेंट्स यूनियन पॉलिटिक्स बहुत है, गंदी पॉलिटिक्स। तुम यूं ही फंस गए। अरे तुम तो पागल हो, कुछ नहीं होता। शशि बैठो। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राकेश बको बको, दस रुपए उधार दे यार। बेचारे ने दो दिन से खाना नहीं खाया, बट्टू से दस पैसे दे दे, कैंटीन में दाल चने खा लेगा। ले। अबे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? भीख मांगते हुए? भीख नहीं, एडवांस मांग रहा हूँ। देख तू दस रुपए अब दे दे, अगले साल का वोट हम तुझे दे देंगे। एक नोट, एक वोट। वोट 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 चिप चकंदर वोट। हाँ राकेश, इस तरह नोटों से वोट नहीं खरीदे जाते। हाँ के ना? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का लेटर है, शी इज अ वेरी नॉटी गर्ल, हमेशा यूं ही लिखती है। तू डर गया ना? वार्निंग। चेतावनी, चेतावनी। जल्दी चल, चल। मैं जैसे आगे बढ़ा तो बोलती क्या करते हो जी? मैंने कहा अभी किया क्या है? माचिस है, माचिस नहीं है भैया। बीमारी हो जाएगी। सुन रहा, सलाम। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं,
मारो मत मारो सुन मेरे बाप मत मारो अरे मत मारो क्यों बेटा चेतावनी नहीं मिली हाँ भाई इंतजार किस बात का है किसका इंतजार आशा हमारा इंतजार कर रहे हैं ना चल मिल के आते हैं चल बाय बाय तुम्हारी तो चटनी बनाकर छोड़ूंगा आज उन लोगों ने शशि और बंटी को मारा और जब इस बात की शिकायत प्रिंसिपल से की गई तो कहने लगे ये सब पर्सनल मामला है वो कुछ नहीं कर सकते अब आप लोग फैसला कीजिए डैनी जहां तक मैं समझता हूं ये हमारा पर्सनल मामला है नहीं दीपक ये पर्सनल मामला नहीं है ये तो शुरुआत है आज उनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है मैं इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता मैं बदला जरूर लूंगा उफ़ डैनी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम भड़क जाएं और स्ट्राइक हो आज इस कॉलेज में कल दूसरे में फिर तीसरे बस इसी तरह से ये आग सारे शहर में लग जाए और दुश्मनों को फायदा हो है या नहीं हाँ आप लोगों की यही राय है तो ठीक है लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं लीव माय बुक अरे मेरे पास रहने दो ओ डैनी स्टॉप इट क्या कर रहे हो डैनी ये मेरा पर्सनल मामला है अच्छा तभी इसीलिए यहां कर बैठे मुझे पता था तुम मेरे पीछे भागती हुई चली आओगी वहां से तो बहुत गुस्से में निकले मैं तो डरी गई अच्छा जरा हाथ तो दिखाओ अरे तुम्हारी लाइंस फैंटास्टिक है रियली ये भी सीख लिया आपने Oh my God. अब क्या हुआ तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा है वो तो हो चुका कब जब मैं तुमसे मिली थी डैनी हाँ? मुझे इस साल भी छुट्टियों में अपने घर ले चलोगे ना बहुत मजा आया था पिछले साल याने वो बर्फ के गोले
गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी तो साथी है मेरे जीवन का। तू लाली है सवेरे वाली गगन रंग
पढ़ाने का। अरे मजाले साला क्लास में कोई उठ जाए। तो किसकी बात कर रहा है? अरे मिस महाजन की। मैं कहता हूँ उसके जैसी एक और टीचर इस कॉलेज में आ जाए ना, तो अपना तो क्या पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बन जाए, फ्यूचर ऑफ इंडिया। और जो कैंटीन वाला रोता रहेगा अपनी जान को, वो क्या करेगा? उसके लिए काड़िया भी तो है। अरे सुन, तू सुबह काड़िया की क्लास में गया था क्या? तू उस चमचे का ना मेरे सामने मत लिया कर। वो चार साल पहले कुछ नोट बना के लाया था, वही पढ़ाता रहता है, ये करो वो करो, और चार साल बाद भी वही पढ़ाएगा। आता जाता है नहीं, पढ़ाने के लिए चले आते, अपने आप को प्रोफेसर कहलाते। अरे काहे के प्रोफेसर, अरे आने दे यार, काहे की बात कर रहा है, पढ़ा दे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बदतमीज। यू नो जया, मैं पिछले साल तक मैं भी स्टूडेंट थी, और मैंने भी ये सब महसूस किया जो तुम आज महसूस कर रही हो। फिर मैंने सोचा कि मैं टीचर बनूंगी, और जहां तक हो सके टीचर्स और स्टूडेंट्स में बढ़ती हुई दूरी को मिटाने की कोशिश करूंगी। मैं सोचती थी कि स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझते हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक सहयोग पैदा करूंगी। मैं इसीलिए टीचर बनी। लेकिन दीदी, सब टीचर्स आपकी तरह थोड़ी होते हैं। अब देखिए, जैसे कल की ही बात है, एक टीचर है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला मैंने तो उन्हें साफ कह दिया। देखिए सर, आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, जब मुझे पता है आपने 1000 रुपए लेकर सारे पेपर्स आउट करवाए हैं। अच्छा? हाँ। लेकिन दीदी, मैंने उन्हें ये सब तब कहा जब वो पूरे क्लास के सामने मुझसे कहने लगे, क्या तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, रिबेल, पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा, लुक। यानी आप बताइए, एक टीचर को सारे क्लास के सामने ऐसा कहना चाहिए? मुझे बहुत गुस्सा है, तब मैंने भी उन्हें सुना दिया। जब से मिस महाजन आई है तब से स्टूडेंट्स तो मिस महाजन ये, मिस महाजन वो, ना जाने क्या तीर मारा है इस औरत ने साहब। अजी औरत है, बस यही एक बात है, और लड़कों को तो आप जानते ही हैं। और लड़कियां भी तो। अरे हजूर, तो सुना दो ना एक दिन। मैं कह सकता हूँ मिस महाजन, मैं कहता हूँ कि आप जैसे टीचर्स ही स्टूडेंट्स को खराब करते हैं, उनकी साइड लेते हैं और टीचरों को कसूरवार कहते हैं। अच्छा है, देखिए जहाँ तक इसका सवाल है, मुझे लगता है कि हम टीचर्स ही इसमें मदद कर सकते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझें और उनसे नजदीकी रिश्ता कायम करें। जी हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए क्या है, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, वैसे भी स्टूडेंट्स आप पे मरते हैं। देखिए, इस तरह की बात मत कीजिए। क्यों नहीं, ये सच है। अगर आपसे स्टूडेंट संभाल नहीं जा सकते तो ये आपकी गलती है। अजी साफ बात है, लड़कों को फुसला रखा है अपने सेक्स से, जब देखो घुसे रहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं मिस महाजन, हम कहां बढ़ेंगे। Shut up! You pretentious bitch! दीपक! क्या हुआ? ना जाने क्या बात है, मिस्टर कार्डिया ने मिस महाजन को गाली दी। मिस महाजन को गाली दी? क्यों? वो इसलिए कि स्टूडेंट्स लोग मिस महाजन को लाइक करते हैं और मिस्टर कार्डिया को जलन है, और उनको बिच भी कहा। बिच कहा? ओए, चलो यार देखते हैं साले को। कहां जा रहे हो भाई लोग? क्यों बेटे, लगा दी ना। अरे टीचर्स की आपस की बात है, हमें से क्या है? देख रकेश, हम तेरे से कुछ नहीं कह रहे, हमें जाने दे, चलो। अबे रहा तो चूहे का चूहा ही है। अबे ओए कड़छे काड़िए के, हमें जाने दे। क्यों मैं छोटा समझ के मारता है? तो हम स्टूडेंट्स का क्या होगा सर? ये फाइट किसने शुरू की? इन्होंने सर, इन्होंने शुरू की, ये झूठ बोल रहा है। अरे हम, पहला बार तूने किया था मल्टीपल। मुझे पहले इसने मारा। मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता हूँ, आप लोग टीचरों को गाली देते हैं, बदतमीज कहीं के। करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। अरे करेक्ट सर, चला प्रिंसिपल के पास। साले चमचे, इनडिसिप्लिन बिहेवियर, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गुंडागर्दी है और क्या? नहीं सर, ये उंडे नहीं है सर। तो इनको और क्या कहेंगे?
ये खड़ा है कोई है? आप तो बिलावजा बिगड़ रहे हैं सर। मैं तो इनकी तरफ से माफी मांग रहा था सर। क्यों, तुम इनके वकील हो क्या? माफी किस बात की यार, हमने कोई गलती नहीं की सर। किस बात की माफी? मैं तो जैसे कुछ भी नहीं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं। You are right sir, this is very bad, this is very 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 बदतमीज। सर आप इस किस्म का बिहेवियर टॉलरेट क्यों करते हैं? राकेश, I'm sorry sir। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सर। कमाल है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। Come in Mr. Cardia। Morning sir। Morning sir। आ गया चमचा। Morning sir। Boys, naturally, Mr. Cardia आप लोगों से बहुत नाराज हैं। आप इनसे माफी मांग लीजिए और ये बात यहीं खत्म हो जाती है। Sir, I am really very sorry, very sorry sir. Sir, I am really very sorry sir, very sorry. मुझे माफ कर दीजिए sir. मुझे भी माफ कर दीजिए sir. तीन तीन सौ रुपए जुर्माना कर दिया, ये अजब डिसीजन है बगैर मतलब के। और राकेश को कुछ नहीं, जैसे उसने कुछ भी नहीं किया, सारा कसूर हमारा है। प्रिंसिपल के चमचे जो ठहरे। मैं सोचती हूँ एक दिन के लिए टोकन स्ट्राइक कर देना चाहिए। यस यस, चमचा गिरी नहीं करेगी, चमचा गिरी नहीं करेगी, चमचों को निकाल दो, चमचों को ना, तुम हमारा साथ नहीं दोगी? No. अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगी तो फिर ये प्यार प्यार क्या है? It's all bloody crap. What do you mean by this is all bloody crap? मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सोचना ही बंद कर दूँ, जो तुम कहो वही करती जाऊँ। रीटा, रीटा, तो क्या हम तुमसे कोई जुर्म करा रहे? जुर्म नहीं तो और क्या है ये? हम यहाँ पढ़ने आए हैं या स्ट्राइक करने? अच्छा जी, तो आज आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हैं। कल तक तो कह रही थी कि मैं यहाँ सिर्फ डिग्री लेने आई हूँ। कहा होगा, क्या मैं अपने विचार बदल नहीं सकती? वॉर, लड़ाइयाँ, हर तरफ, दुनिया भर में, क्या ये कम है? अगर कॉलेज में भी यही होने लगा तो फिर क्या होगा? मेरे सामने फिलॉसफी झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, खड़ो। रीटा, रीटा तुम नहीं चल रही हो क्या? रीता, तुम ये क्यों समझते हम लोग ये सब बेकार के लिए कर रहे हैं? प्लीज जया, इसी बात पे हम लोग कितनी बार बहस कर चुके हैं, तुम्हें आना पड़ेगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है? नहीं रीता, बिल्कुल नहीं। रीता, हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की बातों को समझा जाए उनको। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जया, सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? दीपक भी यही कह रहा था, तुम भी यही कह रही हो। दीपक से प्यार करती तो उसका साथ क्यों नहीं देती? प्यार करना और बात है, साथ देना और बात है। मेरे भी कुछ उसूल है, मैं समझती हूँ इस सबसे कोई फायदा नहीं। ये घेराव, ये मार धार, ये सब बेकार है जया। पुलिस आएगी, हंगामा होगा, हो सकता है गोली चले, एक दो मारे भी जाए। ये वॉयलेंस, ये स्ट्राइक्स, आखिर ये सब क्यों? लेक्चर बहुत अच्छा दे रही थी तुम, तुम्हें तो इस यूनियन का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। वो तो तुम्हें और दीपक को मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। नहीं आएंगी आप? जी नहीं। दीपक, मैं समझती हूँ इस सबसे कोई फायदा नहीं, जहां तक हो सके बगैर स्ट्राइक के समझौता हो जाना चाहिए। काश ऐसा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप खुद ही देख लीजिए, हम तो स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे, हमने तो अपनी डिमांड उनके सामने रखी है, मगर ये लोग रीजनेबल डिमांड्स को मानते नहीं। नंबर वन, हमें चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं। इम्पर्टिनेंस। नंबर टू, हम पर लगाया गया जुर्माना वापस लिया जाए। क्यों वापस लिया जाए? फूल्स। नंबर थ्री, मिस्टर कारिया को मिस महाजन से माफी मांगनी पड़ेगी। वंडरफुल, वंडरफुल। और नंबर चार, राकेश को सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि फाइट उसी ने शुरू की।
आज से कॉलेज हम चलाएंगे। I see. This is a घेराव। Take it over, Roger. बदतमीजी करते शर्म नहीं आई? उनके टेबल पे चढ़ गए और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे? ये तो घेराव था मैडम, और इसमें लिखा है कि 3 दिन के अंदर बताए कि क्यों ना आपको रेस्टिकेट किया जाए, और हमसे कहा है कि फौरन हॉस्टल खाली कर दीजिए। कर दीजिए, खाली करो। तुम लोगों को ये सब मजाक लगता है ना? क्या तुम चाहते हो कि कॉलेज बंद हो जाए? तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या घेराव करने? I'm sorry, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। ठीक है मैडम, अगर आप ऐसा समझती हैं तो फिर हम चलते हैं। चलो यार। तुम किसी की बात नहीं सुन सकते हो ना? आपसे उम्मीद नहीं थी मैडम, हमने सोचा था कि आप कोई रास्ता बताएंगे। मैं गलत रास्ते नहीं बता सकती। कौन सा गलत रास्ता मैडम? आप लोग बर्बादी करते हैं, क्लासरूम के बेंचेस को तोड़ते हैं, ऑफिस के फाइल्स को आग लगाते हैं, लैब के कीमती सामान का नुकसान करते हैं, और ऊपर से आप लोग उम्मीद करते हैं कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं। किसने किया है ये सब मैडम? तुम लोगों ने, और किसने? ये आप क्या कह रही हैं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? चलो चलो, मैं पूछती हूँ किसने किया। राकेश की पार्टी ने।
भी चमड़े का सहारा ले रहे हो। आज इस चमड़े से ही तेरी चमड़ी उधड़ेगी बेटा। का बच्चा किसी चीज का सहारा नहीं लेता। सुन कुत्ते, आइंदा किसी को हाथ लगाए ना हाथ काट कर फेंक दूंगा, समझे? भाई साहब, आजकल जस्टिस की स्पेलिंग JUS की जगह JUC होते हैं। अबे लल्लू, तुझे हजार बार कहा जस्टिस JUS से होता है। अरे क्या है? अरे कौन पसंद वार्निंग? भैया जया चुप। अरे क्यों चिल्ला रहा भाई? कुछ नहीं, यू ही तो वार्निंग मॉर्निंग देखो। अरे माफ करना, तुम लोग भी यार देख लेंगे, क्या बिगाड़ सकते हमारा। उस्ताद, वार्निंग का जवाब सुना तुमने, क्या बिगाड़ सकते हैं हमारा। अच्छा मंटो, तू क्या कह रहा था उस दिन? आजकल रात को बस्ती में वो अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। हाँ उस्ताद, जाते तो है। तो आज रात को भी जाएंगे वो? जाएंगे तो जरूर। अच्छा चल, तेरा घर आ गया। गुड नाइट, बाय बाय बाय। Thank you.
फोकस एक मिनट की शट डाउन कोई नहीं बचेगा सब पकड़े जाएंगे मैं कहता हूँ कोई नहीं बचेगा सब पकड़े जाएंगे चुप रहो बच्चों के नाम से डैम यू चुप रहो यानी पुलिस आने से पहले हमें तो भाग जाना चाहिए लेट्स गो मुकेश The police is after them. किससे हुआ? पता नहीं, तीनों थे वहाँ. I know. जो? No, darling. No. नहीं जो? No, no. जब राम नाम ले ले हर काम हो जाए जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए जब राम नाम ले ले हर काम हो जाए जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो दिखलाए जब राम नाम ले ले हर काम हो जाए जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए राम नाम ले ले हर काम हो जाए जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए
सी अच्छा तू है रुक जा मैं तेरे को बता रहा हूँ पेंडल कम आउट बॉयज पुलिस पुलिस तेरे को बुलाया तेरे को बुलाया तेरे को तेरे को तेरे को तेरे को आई सेड बोथ ऑफ यू तू आगे नमस्ते ये क्या बेहूदगी है उठाओ आजा सुनो आपको क्या मालूम है इसके बारे में मेरे बारे में इसके बारे में उबली सब्जी बहुत खाता है इसलिए बढ़ गया मैं बिल्कुल नहीं खाता मेरा पेट देख शेर आप ये मर्डर के बारे में पूछते हैं मर्डर मैंने तो आपको पहले ही कह दिया मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं वहां मौजूद थी ठीक है थैंक यू वेरी मच अच्छा क्या बेटी हम लोगों के पास इज्जत के अलावा रखा ही क्या है भला उन तीनों का ये तो तेरी खुशकिस्मती थी कि वो लोग वक्त पर वहां आ पहुंचे हाँ माँ मेरी खुशकिस्मती तो जरूर है लेकिन वही उनके लिए बदनसीबी बनी आज मेरी वजह से न जाने वो कहां कहां भटक रहे होंगे मैं तो डर के मारे भाग गया साहब और क्या कर सकते थे भागे क्यों यहाँ से सर कोई भी भाग जाए आप ही जरा सोचिए एक लड़के का खून हुआ है चाहे वो कैसे भी हो आखिर ये खूनी तो नहीं उन्हें मालूम है हो सकता है इल्जाम उन पर है और वही हो रहा है आखिर ऐसे वक्त में कोई क्या करे आप बताइए तो क्या आपको यकीन है कि वो मर्डर उन्होंने नहीं किया जहाँ तक मैं समझती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकते मुझे लगता है कि जया जानती है कि वो तीनों कहाँ है अगर जया को गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो सब कबूल कर लेगी लेकिन सर जया को गिरफ्तार करने से कॉलेज में हंगामा हो सकता है उनकी क्या थी ये तो मैं नहीं कह सकती लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि दीपक दीपक कभी किसी का खून नहीं कर सकता लेकिन आप जया से क्यों नहीं पूछते सुना है मर्डर के वक्त वो वहां मौजूद थी हमने जानने की बहुत कोशिश की लेकिन जया कुछ भी बताने से इनकार करती है हेलो तुम्हें किसने कहा जब वो तीनों आए उन्होंने मुझे छोड़ दिया था लेकिन लड़ाई तो तुम्हारी वजह से हुई तो तुम बता क्यों नहीं देती तुम चाहती हो कि मैं बता दूं ताकि पुलिस उनको पकड़ कर ले जाए कभी ना कभी तो वो पकड़े ही जाएंगे नहीं अभी सिर्फ उन पर शक करते हैं अगर मैंने अपना बयान दिया तो उनको खून के जुर्म में सख्त सजा हो सकती है और वो तुम्हें पसंद है देखो जया तुम्हारे बयान से साफ जाहिर हो जाएगा कि वो तुम्हें बचाने आए थे और अनजाने में इस खून के इल्जाम में फंस गए मैं जानबूझकर उनको इस जुर्म में कभी फंसने नहीं दूंगी ये क्यों नहीं कहती कि सबको पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा यही
मर्डर डैनी ने किया, चाकू डैनी के हाथों से चला, कातिल डैनी है, सिर्फ डैनी। जया, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, कि ये खून तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए डैनी ने किया। लेकिन लेकिन तुम दीपक और मुकेश को साथ में क्यों फंसाना चाहती हो? क्यों? क्योंकि उन दोनों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम जानती हो कि तुम बयान देकर उन दोनों को छुड़ा सकती हो, लेकिन तुम खामोश रहोगी क्योंकि तुम खुद गर्ज हो। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा डैनी प्यारा है और तुम्हें किसी की परवाह नहीं। बोलती नहीं, तुम क्या चाहते हो? दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये सब कैसे हो गया? मैं सोच रही थी आपसे आके पूछूं। यूनो दीदी, ये कहते हैं कि खून चाकू से हुआ और मुझे यकीन नहीं है कि लड़के चाकू रख सकते हैं। यूनो, और आप तो जानती हैं ये कितने गुस्से वाले हैं और डैनी सबसे ज्यादा उसी में से गुस्से में। I'm very confused, दीदी। आप कुछ तो कहिए। एक लड़का मारा गया और तुम मुझसे हमदर्दी की उम्मीद रखते हो? आप उसके झगड़े, स्ट्राइक्स, देख लिया क्या नतीजा होता है? तुमने तो कहा था कि बगैर स्ट्राइक के कुछ नहीं हो सकता, क्या हो गया है अब? आप भी मुझे दोषी समझते हैं दीदी? मैं तुम्हें दोषी कैसे कह सकती हूँ? दोष तो हम सबका है, ना जाने सब कब खत्म होगा। यार सपने में पुलिस देखा यार, नींद आराम हो गई है यार। पुलिस सपने में भी पीछा नहीं छोड़ती, जैसे कि खून मैंने किया है। तो क्या मैंने किया है? तुम दोनों ठीक कहते हो दीपक, खून मैंने किया है। तुम लोग वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं डैनी, नहीं,
मेरा ये मतलब नहीं था, तू गलत समझा यार। मुकेश ने नींद तोड़ दी थी ना इसलिए। अगले लोग तो हमारी दोस्ती की कस्में खाते हैं और तू समझते हम तुझे यूं ही छोड़कर चले जाएंगे। इस चोर में हम तीनों एक साथ थे, सजा मिलेगी तो तीनों को। I'm sorry. Daniel! 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दे यार, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ छोड़ दो, अबे छोड़ो यार, अबे ओ शर्म नहीं आती तुझे? साला भाग रहा है? भाग कौन रहा है यार, प्यास लगी, पानी पीने जा रहा हूँ। अबे साले तू मेरा पानी क्यों झूठा कर रहा है? अबे साले तू मेरा पानी क्यों झूठा कर रहा है? अबे साले बनिया जी, आपके यहाँ बर्तन नहीं मिलते? अरे तुमको क्या बर्तन की दुकान नजर आवत है? अरे नहीं नहीं नहीं। तो फिर खाना का सोरे चल जगा दिया। बनिया जी, जो सोवत है वो खोवत है। अरे चलो 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 काम करो। जाते जाते धक्का काय को देता भाई? वेरी टेस्टी यार। अच्छा यार। अरे बड़ो ऐसा खा यार। अरे भूख लगी यार, जैसे खाना खाओ। बड़ो पानी तो पिलाना यार। अरे तुमने इसको किस्सा नहीं बताया हम लोग बर्तन कैसे चुराने गए थे? अरे हाँ यार, तो मैं कह रहा था ना, बहुत मजा आया। धन्यवाद। दीपक, तेरे को क्या हुआ?
आपका लड़का तो एक बार राकेश के साथ हमारे गांव भी आया था, अच्छे दोस्त थे वो तो, फिर ये क्या हुआ? पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, उन्हें रास्ता दिखाने वाला कौन है? कसूर है कॉलेज चलाने वालों का। लीडरशिप की कमी है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं अभी तो जी लें, कल देखा जाएगा। मुझे और कितनी बार कहना पड़ेगा मैं वहां नहीं थी। जया हमें मालूम है कि तुम वहां नहीं थी, मगर हमें एक बात का पता और चला है कि डैनी और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। राकेश तुम दोनों के प्यार के बीच में दीवार बनना चाहता था, डैनी ये बर्दाश्त न कर सका, उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर राकेश को हॉस्टल से गायब किया और सुनसान सड़क के किनारे ले जाकर उसके पेट में छुरा घुसा। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्यों आप उन लोगों पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, मुझे सब पता है। राकेश मुझे यहाँ से उठाकर ले गया, वो तीनों तो सिर्फ मेरी इज्जत बचाने वहां आए थे। इंस्पेक्टर, ये सच है, मैं नहीं जानती मेरे जाने के बाद क्या हुआ। और ये भी सच है कि डैनी बहुत गुस्से वाला है, लेकिन डैनी इंस्पेक्टर वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इंस्पेक्टर। चल मुकी, चल काट। हाँ काट डाल, काट डाल बड़ो। अरे काट यार, काटो ना, ये अपने से नहीं होगा भाई, कमाल है। अरे अरे काट, चलो जल्दी काट, जल्दी काट, इतनी सी बात के लिए क्या करता है, काट यार। सॉरी। अरे काट ना यार, चाकू को फेंक दिया। ले तू काट, करना है। डैनी तू तो फार्म के बारे सब जानता है, तू ही काट डाल। तू ले ला यार। हाँ काट, चल पकड़ इसे। तू सचमुच काटेगा? नेचुरली काटूंगा, और क्या, पकड़। अरे क्या हो रहा है ये तुम लोग? पकड़ी 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 पकड़ी। हमारे मुर्ग मुसल्लम का क्या होगा दोस्त? तो फिर तुम ही काट लेते। तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें सब कुछ आता है। कहा तो था, लेकिन मैंने मुर्गे कभी नहीं काटे हैं। खाना और बात है, काटना अपने बस का नहीं है। यानी सुन, ये ले जाने की क्या जरूरत है, यही छोड़ दे, जंगली जानवर खा जाएंगे तो। अबे कोई ना कोई तो खाएगा, यानी तो फार्म पर। खुशकिस्मत है वो लोग। अबे तो तू खुद क्यों नहीं काट लेता? अपनी ऐसी किस्मत कहाँ दीपक बाबू। तो फिर खिचड़ी चढ़ा, खिचड़ी चल शुरू हो जा। यही गनीमत है, फूको। हेलो हेलो, आई एम सॉरी, उस रात मैं उसे भूल चुकी हूँ। कहो कैसे आना हुआ? लाइट मत चलाना यार। अरे लाइट को साइलेंस। वो देखो टेलीफोन। आस्ते कुमार आस्ते। हेलो
ऑपरेटर हेलो प्लीज मैं बुक अ कॉल टू यस यस आई एम होल्डिंग क्यों चलाई क्या हो रहा है चिल्लाओ मत यार जी मैडम सिस्टर कहां से जहां से भागे हो मैडम हम कहीं से नहीं भागे तुम लोग ऑफिस से नहीं भागे जी सिस्टर बहुत जरूरी टेलीफोन करना था आप हमें माफ कर देंगी ना कर दूंगी लेकिन पहले तुम्हें बताना होगा किस लिए फोन कर रहे थे और फिर रात को इस तरह यहां घुसाना सिस्टर वी आर वेरी सॉरी मगर इस वक्त हम जरा जल्दी में है क्या जल्दी है मुझे बताए बगैर तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते और फिर हो सकता है मैं तुम लोग की कुछ मदद कर सकूं मैंने अभी अभी ऑर्डर जॉइन किया है अगर तुम लोगों ने मुझे बता दिया तो मैं जीते से तुम लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी रीटा तुम यूं ही फंस गए अरे तुम तो पागल हो कुछ नहीं होता गॉड ब्लेस यू तुम्हें रास्ता दिखा है कितने अच्छे लग रहे हैं इतने मासूम हम भी थे ऐसे कभी इन्हें अभी कुछ नहीं मालूम है बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो ना समझ होते हैं उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता ये तो हम लोगों का फर्ज है हम बड़े लोगों का कि हम उन्हें ठीक रास्ता दिखाएं मगर स्कूल से कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उतना ही बजाय कुछ सीखने के बेकार की बातों में फंस जाता है अब तुम लोग अपने आप को ही देख लो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए
और फिर मोटरसाइकिल हमने घास में छुपा दी। तो तुम लोगों ने नहीं किया है। सच्चाई का सामना करने की ताकत क्या हुआ डैनी? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं सोच रहा हूँ दीपक, आखिर कब तक जंगल में इस तरह भटकते फिरेंगे? मेरे साथ फिजूल में तुम दोनों भी, और कर भी कह सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। अब देखो तो कसूर हमारा भी नहीं है, चाकू तो राकेश ने निकाला था। चाकू उसके हाथ में, पुलिस हमारे पीछे। कभी सोचने की कोशिश भी की है कि हम क्यों भाग रहे? Why the hell are we running? मैं सोचता हूं हमें वापस चला जाना चाहिए। नहीं डैनी, अब अगर हम जाएंगे ना तो पुलिस हमें गुनेगार समझ के जेल में बंद कर देगी। फिरो भटकते फिरो, पुलिस फिरो। मुकेश, मुकेश, मोटरसाइकिल ठीक से रखती ना? ठीक है, सब ठीक है। हाँ, थोड़ा पानी देना। पानी, पानी पिला दे मुझे। मुकेश, तुझे संभाल कर पानी लेके आना। डैनी, प्लीज। मुकेश, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। थोड़ा पानी पिला दो। डैनी प्लीज, थोड़ा बर्दाश्त कर, थोड़ा बर्दाश्त कर। किसी तरह से ये रात गुजर जाने दे, किसी तरह से ये रात गुजर जाने दे मेरे यार। डैनी प्लीज, डैनी। No, sir. The fact is something else. Come, boys. We'll discuss it here. देखिए ना सर, हम कोई झूठ तो आपके सामने बोल नहीं रहे हैं। हम तो आपके सामने हकीकत को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर, जबकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खून के इल्जाम में भागे हुए हैं, तो इलेक्शन तो फिर से होना चाहिए। Of course. Rules and regulations तो यही कहते हैं सर। और सर, वो पांडे साहब, पांडे जी, हाँ, मुझे भी उनका टेलीफोन आया था। जया, जया, मौसी, मौसी। ओ बंटी प्लीज। I'm sorry. लेकिन पता है, प्रिंसिपल ने नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगवाया है कि एसोसिएशन का इलेक्शन फिर से होगा। व्हाट?
जया। रीटा देखो ऐसे वक्त पर तुम्हारा साथ चाहिए। प्रिंसिपल ने उन तीनों को कॉलेज से निकाल दिया और वो चाहते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन का इलेक्शन फिर से हो। हम स्ट्राइक ना करें तो? ऐसे समय तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, स्टूडेंट्स में एकता होनी चाहिए। रीता अगर तुम हमारा साथ दो तो प्रिंसिपल हमारी सब शर्तें मान जाएगा और अगर नहीं माना तो आग लगा देंगे। आग आग आग, यही वजह है मैं तुम लोगों का साथ नहीं देना चाहती। लेकिन यही एक जबान है वो लोग जो पंटी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे रीटा, हमारा ऐसा इरादा नहीं है, हम हंगामा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये बात है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मगर मेरी यही शर्त है, हंगामा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी। हंगामा बिल्कुल नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी। मंटू ये लोग तो मिल गए यार। अरे शशि मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था कि आखिर में देख क्या होता है आखिर में। मुन्ना अब तो फार्मूला नंबर 44 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सर। क्या हुआ? सर वो रीता और जया दोनों आपस में मिल गए हैं और सर वो उनके साथ और लड़के भी मिल गए हैं और सर बिना पुलिस को बुलाए ये इलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है सर। यस सर। शट अप, द डैम प्रिंसिपल सेज कि रिलेक्शन होगा चाहे सबको बंद करना पड़े। कैसे बंद करो, इससे पहले स्ट्राइक होगी, हम सबको साथ बंद करना पड़ेगा। स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। ने तो फैसला किया है कि स्ट्राइक बगैर वायलेंस के होगी। अच्छा? हाँ। आप देखिए ना पांडे जी, बगैर हंगामे के हम लोग स्ट्राइक में करेंगे भी क्या? अरे भाई वो तो तुम्हारे हाथ में है, स्ट्राइक में तो कुछ भी किया जा सकता। सुना आपने, कहते हैं हम कुछ भी कर देंगे। कौन कहता है हम अंदर नहीं आ सकते? अगर हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो क्या हुआ? हम टीचर्स हैं, हमारा फर्ज है कि हम उनकी भी बात समझे और किसी नतीजे पर पहुंचे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये चारों तरफ पुलिस, अच्छा रास्ता सोचा आपने। प्रिंसिपल साहब आप आप पर तेल डाल रहे हैं, आपको नहीं मालूम ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हमें मालूम है, आग लगा देंगे, यही ना? आपको इसकी कोई फिक्र नहीं? इसलिए हमने पुलिस बुलवा रखी है। वो नहीं चाहते कि वो कॉलेज को आग लगा दें, लेकिन आपने पुलिस को बुलवा कर उन्हें उकसाया है, उन्हें मजबूर किया है। तुम क्या चाहती हो कि पुलिस को वापस भेज दिया जाए ताकि सब सब कुछ जलकर राख हो जाए? यही तो आपको उन पर विश्वास नहीं। हाँ, सारे देश में जो हो रहा है स्टूडेंट्स में, लो देख लो। अखबार मैं भी पढ़ती हूँ प्रिंसिपल साहब, कसूर स्टूडेंट्स का नहीं, हमारा है, आपका है और कॉलेज चलाने वालों का है। टीचर्स और स्टूडेंट्स में कोई रिलेशनशिप ही नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, और इसी की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी वजह है पॉलिटिक्स। कहना मानिए, इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए वरना इनका बचना मुश्किल है।
ऑन प्लीज। रीटा। दीपक, कहां से बोल रहे हो तुम? गोली किसको लगी? डैनी को? पुलिस? हेलो, हेलो दीपक, किसको गोली लगी? कैसे लगी? जोर से बोलो। हेलो, हेलो, डैनी, आई एम जया। हाँ, मैं जया बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? जिस मौत के डर से हम लोग भागे थे ना, वो अभी तक पीछा नहीं छोड़ती। तुम ठीक हो ना? जल्दी आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। वी लव यू डैनी, कम बैक सून, विल यू? हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, जल्दी। हाँ डैनी, बचा जा। बेहोश हो गया। मुकी, दीपक, मुकी, क्या हुआ रानी? क्या हुआ? दीपक आ रहा है, आ रहा है। मुकी मुझे वापस ले चलो, उसे जल्दी वापस ले चलो। मुकी मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये खून मैंने किया है। मुकी डैनी, ये खून तुमने नहीं किया, ये खून हो गया था डैनी। मैंने किया है खून, मैं सबको बताना चाहता हूँ। ले चलो, सबको बता देंगे खून मैंने किया है। तुम ही बता देना खून मैंने किया है। जस्ट टेक इट इजी डैनी, प्लीज। दीपक कभी ये बोलेंगे, सब बोलेंगे खून मैंने किया। मुकेश, मुकेश डैनी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि हम उसे शहर के किसी अस्पताल में दाखिल कराते हैं। रीटा से फोन पे बात हुई, उसने भी यही बताया कि जिस बात का मैं डर था वही हो रहा है। कॉलेज के मामलात में दखल दे रहे हैं कुछ बाहर के लोग। जो हम वापस जाएंगे मुकेश, हम वापस जाएंगे and we'll expose them। पांडे जी, ये तो अपने केक रैप पे सब पानी फिर गया। क्या हुआ? सुना है दीपक, डैनी और मुकेश का लौट कर वापस आ रहे हैं। इससे तो दुश्मनों की ताकत बहुत बढ़ गई। जया अलग चिल्ला रही है और प्रिंसिपल साहब से बात की तो वो तो हाथ पर फुला के बैठे हुए हैं। और मुझे तो सब कुछ गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है पांडे जी। लगता है अपने सारे प्लान फ्लॉप हो जाएंगे और अपनी तो सारी ताकत ठंडी पड़ चुकी है। अपनी ताकत टूट नहीं सकती बच्चों। वो कैसे? आप जरा इन्हें बताइए हीरा लाल जी। बॉयज फॉलो मी। ओन हर बच्चों, सामान तो मेरे पास बहुत कुछ है, इस्तेमाल कर सकोगे? क्यों नहीं? अरे बिल्कुल। तो फिर खोलो खिड़की। ये लीजिए। पुलिस हटाने से तुम समझो यहाँ किसी की सेफ्टी है? जी हाँ, सेफ्टी है। I have heard you students say that so many times। सर, जब तक पुलिस नहीं हटेगी, स्ट्राइक नहीं रुकेगी। पुलिस सर्विस नहीं हटाई जाएगी जब तक तुम ये लॉलेस टाई खत्म नहीं करोगे, समझे? ओ सर, कम ऑन।
दया दोनों ही तो हैं जो हमारे किए किराए पर पानी फेर सकते हैं। भट्टू तू जल्दी जाके पांडे जी से बोल, मैं इधर सब संभालता हूं। मैं बोलता हूं तू संभाल। ओके मुकेश, मुकेश तू उधर संभाल, प्रिंसिपल साहब को स्कूल से घेर लिया, मैं देखता हूं। जैसे भाग जाइए, मैं कहता हूं भाग जाइए। जो स्टूडेंट्स को बदनाम करते हो, बता कौन है तुम्हारे पीछे? Danny!
चलो। शायद ये भूल जाएंगे कि आज क्या हुआ, तो कल फिर कोई जया या कोई डैनी बिना किसी मतलब के बस एक गोली के शिकार हो जाएंगे और फिर ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, ये कहानी जिसका कोई अंत नहीं होगा। ये दो स्टूडेंट्स नहीं मरे हैं, मेरे अपने दो बच्चों की मौत हुई है। मैं जानता हूं बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं जिसके जिम्मेदार मैं भी हूं। मैं माफी चाहता हूं, ये चेतावनी है कल के लिए। अब विश्वास, श्रद्धा और फर्ज के दरमियान कोई दीवार नहीं खड़ी होने दी जाएगी।